की सरकार चुनी जानी है और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी है, तो मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी से आगरा की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश है और हम इनसे बात करेंगे कि जनता को किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या जनता के सामने आप जो विकास के वादे हैं वो लेकर जा रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मैं जीत करने वाली हूँ। और मेरा जो एजेंडा रहेगा, सबसे पहले तो ये रहेगा कि मैं कम्युनिटी लाइब्रेरी बनाऊँ जिसमें दलित समाज के, बहुजन समाज के और गरीब लड़कियाँ, गरीब वर्ग के लोगों को फ्री वाईफाई मिले और इनके लिए स्टडी का सारा मटेरियल मिले। दूसरी चीज़ मैं महिलाओं के लिए खासकर ये करना चाहूँगी, जो CCTV की दूरी है उसको कम करना चाहती हूँ। और जैसे कि हेल्थ पर, जैसे कोविड जैसी बीमारी से हम लोग निकले हैं, तो कोविड के लिए क्या था हम लोगों के पास, प्रशासन फेल थी। तो इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए सारे इंतजाम पहले से होने चाहिए। और एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ, जो स्कूल का हाल है वो स्कूल का हाल सुधारना चाहती हूँ। स्कूल्स में सारी फैसिलिटीज़ हो, मैं रुड़की मंडी में रहती हूँ, वहाँ आज भी बच्चे टाट पे पढ़ते हैं और आज भी मेरी खुद की गली के बाहर इतनी गंदगी है कि आप जाओगे तो आपको ये सोचोगे आपके दोबारा ना आऊं मैं। तो क्या लगता है कि लगातार करीब छह बार से या बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी रहे हैं, तो कितना काम हुआ है, जो जनता क्या कह रही है इसको? जनता अच्छी तरीके से जानती है कि विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, विकास सिर्फ अखबारों में हुआ है, सड़कों पे, गली मोहल्लों में जाकर देखो, आप पीछे जाकर देखिए क्या विकास हुआ है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पर ये जीरो है। समाजवादी पार्टी इस बार किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, क्या लग रहा है, लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है आपके साथ? मुझे समर्थन समाजवादी पार्टी ने, जैसे कि मुझे लड़ाया है, तो समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं देखा, कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को लड़ाया है, जो गरीब सी बेटी है, गरीब सी लड़की है, उसको लड़ाया है। उनको पता है कि दलित मोहल्लों में, मलिन बस्तियों में क्या हाल है, तो उन्होंने एक ऐसे ही जमीन की जूही लड़की को निकाला है जो अपने मोहल्ले, अपने लोगों को, दर्द को समझेगी। अंतिम चरण चल रहा है इस समय प्रचार का और कल प्रचार बंद हो जाएगा शाम तक, तो कितनी तेजी से प्रचार चल रहा है? बहुत तेजी से, अभी लगातार मेरी मीटिंग्स में मीटिंग लगी हुई है, मुझे रात के 12 बजे तक मेरी मीटिंग्स लगी हुई है। अच्छा, युवा प्रत्याशी है और अगर हम कहीं बात करें कि नवीन जैन ने एक नारा चलाया था जो पूर्व यहाँ के मेयर थे कि नवीन आगरा और क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा, तो क्या लग रहा है वो कितना चरितार्थ हुआ? वो कुछ नहीं, नवीन आगरा ग्रीन आगरा के नाम से कुछ नहीं हुआ, घोटाला ही आगरा पूरे नाम से घोटाला है, पंचर घोटाला, कैमरा घोटाला, पेड़ घोटाला, सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ है। अच्छा, बसपा से और कांग्रेस से कितनी टक्कर है? किसी से टक्कर नहीं है, मैं ऊपर हूँ। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश थी, उन्होंने बताया कि इनकी टक्कर किसी से नहीं है और समाजवादी पार्टी की इस बार की प्रत्याशी युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, दलित, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए काम करेंगी और अपनी जीत पक्की कराएंगी। आगरा से प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।